अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सुलेमान्स किचन। मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान। आज की हमारी वीडियो रेसिपी बेस्ड वीडियो नहीं है, आज की हमारी वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस पे। जैसे कि सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस किस तेज़ी से जो है दुनिया में फैल रहा है, लाखों की तादाद में लोग जो है इससे इन्फेक्ट हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों की इससे मौत हुई है। हमारे अपने मुल्क में मार्च 1 से लेकर मार्च 28 तक 978 केस जो है इसमें इन्फेक्शन के पाए गए हैं। एक दिन में जो है यानी कि मार्च 27 को 160 नए केसेस इन्फेक्शन के पाए गए हैं और कल जो है 100 केसेस इन्फेक्शन के पाए गए हैं। एक दिन में 100 से 160 नए केसेस पाए जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, किस तेज़ी से जो है कोरोना वायरस फैल रहा है लॉकडाउन होने के बावजूद भी। तो लॉकडाउन हालांकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, लॉकडाउन होने के बावजूद भी 160 से 100 केसेस एक दिन में जो है फैल रहे हैं। इसको और कम करने के लिए मैं अपनी वीडियो में आज आपसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स शेयर करने वाला हूँ जिसे आप अपने घर पर रहते हुए, लॉकडाउन के चलते आप अपने घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक जो है रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको करने से कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन आप इसको एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप आप इसको यूज़ करें और आप इससे कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक इससे मदद ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं वीडियो की सोर्स आपसे शेयर करूँगा। हमारी वीडियो की सोर्स है मिस लवनीत बत्रा। मिस लवनीत बत्रा जो है एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एडुकेटर हैं, कंसल्टेंट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल पे और लेक्चरर हैं IHM पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी पे। इनका एक आर्टिकल है NDTV पे, आज हम उस आर्टिकल को अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं तीन रूल्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जिसे अप्लाई करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कंपलसरी है डेली लाइफ में। पहला तो रूल ये है कि आप खाना अच्छे से पका करके खाएँ, अच्छे से यानी कि खाने को कच्चा ना रखें, एकदम खाने को अच्छे से टोटली पका करके आप इसको खाएं। कोई भी रॉ फूड आप इस्तेमाल ना करें, यानी कि रॉ मीट या रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप ना करें। और जो है 24 घंटे वाली अपनी डेली लाइफ में 7 घंटे आप कंपलसरीली सोएं। 7 घंटे सोने से ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से रेगुलेट करता है और अच्छे से स्ट्रांग होता है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में आसानी से इन्फेक्शन को फैला सकता है। तो किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। तो आगे हमारी वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने वाले फूड आइटम्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आए देखते हैं। तो पहला है विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी की कमी होने से जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है और इन्फेक्शन आसानी से बॉडी में फैलने लगता है। तो विटामिन सी के खाने से, विटामिन सी के कंज्यूमशन से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक डेवलप कर सकते हैं। तो आए कुछ फूड आइटम्स मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। पहला तो है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में लेमन है, ऑरेंज है, स्वीट लाइम, नींबू, नारंगी और मौसम्बी जिसे कहते हैं। आगे है कीवी, कीवी फ्रूट जिसे कहते हैं। फिर है गावा यानी कि अमरूद, बेल पेपर्स यानी कि कैप्सिकम, फिर है ब्रोकली, पपाया, स्ट्रॉबेरीज और टमेटोज। ये थे कुछ विटामिन सी के फूड आइटम्स जो कि आसानी से हमारे शॉप्स पे अवेलेबल हैं, जिसे आप आसानी से अपने एसेंशियल शॉप से ख़रीद सकते हैं लॉकडाउन होने के बावजूद भी, और अपनी डेली लाइफ में काफ़ी हद तक ईजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी जो कि सनलाइट से हमें मिलती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं लॉकडाउन के चलते, तो विटामिन डी को अपने फूड सप्लीमेंट्स की तरफ से हमें लेना होगा। तो विटामिन डी के कुछ फूड आइटम्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला तो फूड आइटम है काउ मिल्क। काउ मिल्क एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन में एक गिलास दूध पीने से 20% विटामिन डी आपको अपनी बॉडी में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए है योगर्ट यानी कि दही, फिर है ओट यानी कि ओट मील कोई भी हो या ओट्स हो, फिर है मशरूम्स। मशरूम्स क्योंकि सनलाइट में डायरेक्टली ग्रो करते हैं तो मशरूम्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। तो फिर आगे बढ़ते हुए हैं एग योक। एग योक में हालांकि कैलोरीज ज़्यादा हैं लेकिन विटामिन डी भी इसमें ज़्यादा है, तो कैलोरीज के चलते आप एक दिन में एक एग योक का इस्तेमाल करें। फिर है फ़िश। फ़िश में आप फैटी फ़िश या ऑयली फ़िश का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑयली फ़िश से ये मुराद नहीं है कि आप फ़िश को तल करके या फ्राई करके आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि ऑयली फ़िश यानी कि हरिंग फ़िश है, मैकरल फ़िश है, सैल्मन है और टूना है,
इस तरीके के फिशेस का आप इस्तेमाल करें। तो ये हो गया विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोबायोटिक्स पे। प्रोबायोटिक्स यानी कि ये गुड बैक्टीरिया होते हैं अपनी बॉडी में, जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो कुछ प्रोबायोटिक्स मैं आपके सामने लिस्ट आउट करता हूँ। कुछ प्रोबायोटिक्स हैं योगर्ट, योगर्ट यानी कि दही। यहाँ पर दही पर एक सवाल आता है, जो कि अगर आपका थ्रोट यानी आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन है या सोर थ्रोट है यानी कि गले में खराश है या खांसी है, तो आप दही का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। इससे यह होगा कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है कि बढ़ सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पर योगर्ट का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल करें। तो जैसे कि कोई और सप्लीमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है इडली, इडली यानी कि जो कि साउथ इंडियन डिश है। फिर है पनीर, फर्मेंटेड सोयाबीन जिसे अखूनी कहते हैं, ग्रीन पीस है, पिकल्स हैं यानी कि अचार, बटर मिल्क है यानी कि छाछ। फिर है याकूल्ट जो कि रेडीमेड है, और केफिर जो कि रेडीमेड, दोनों जो हैं पैकेज्ड मिलते हैं, आप आसानी से अपने शॉप पे इसको ख़रीद सकते हैं, कोई भी एसेंशियल शॉप पे इसको ख़रीद सकते हैं। ये अच्छा प्रोबायोटिक है यानी कि गुड बैक्टीरिया है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूट्रिएंट पे। अगला न्यूट्रिएंट जो हमारा है वो है जिंक। जिंक जो है बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है, जो अपने हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करने में यह मदद करता है। सबसे पहला तो जिंक में फूड आइटम है मीट। मीट से जो है मीट है एक्सेलेंट सोर्स ऑफ जिंक, यानी कि बहुत अच्छा कंटेंट इसमें जिंक का होता है मीट में। यहाँ पर एक इश्काल आता है कि लोग यहाँ पर चिकन या मटन का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते। मैं आपको यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चिकन मटन और सी फूड से या एग से जो है यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं फैलता है, बल्कि कोरोना वायरस फैलता है छींकने या खांसने से, जो कि ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींकने और खांसने से, वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके जब आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो वहाँ से कोरोना वायरस फैलता है। तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि चिकन या मटन या सी फूड या एग से जो है कोरोना वायरस फैलता है। तो आप जब चिकन या मटन लेने जाएं, तो हालांकि आप जब चिकन या मटन लेने जाएं तो ख्याल रखें कि आपके शॉप्स जहां से आप चिकन या मटन खरीद रहे हैं काफ़ी हद तक साफ़ हो, और जब आप उसको घर पर भी लेकर आएं तो अच्छे से साफ़ करें, फिर आप उसको अच्छे से पकाएं और फिर आप उसको खाएं। मैं यहाँ पर कुछ दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो चिकन या मटन का जो है बिज़नेस करते हैं, कि वो अपने शॉप्स जो हैं काफ़ी हद तक क्लीन रखें, जितना हो सके क्लीन रखें, और जो आप कस्टमर को जो सप्लाई करें, जो कस्टमर को आप प्रोवाइड करें चिकन या मटन, उसको भी काफ़ी हद तक आप साफ़ करें। तो आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा सप्लीमेंट है शेलफिश। फिर है लेंटिल्स में जैसे कि चिकपीस या बीन्स हैं। फिर नट्स हैं जिसमें पीनट्स हैं, आमंड्स हैं, कैशूज हैं। फिर है डेयरी फूड्स जिसमें दूध, दही यानी कि मिल्क, योगर्ट, पनीर, चीज़ ये आते हैं। फिर है एग्स, बॉयल्ड एग भी हो या कोई ऑमलेट हो, सारे एग्स में जिंक कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर है होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स में है यहाँ पर वीट, राइस, ओट्स। फिर है यहाँ पर शॉकिंगली डार्क चॉकलेट भी। डार्क चॉकलेट में भी जिंक का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप दूध के साथ जो है डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। कोई मिल्क शेक आप इसमें बनाएं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और डार्क चॉकलेट दोनों जिंक कंटेंट में ज़्यादा हैं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये थी जिंक। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं टर्मरिक पे, जो कि गोल्डन स्पाइस जिसे कहते हैं। टर्मरिक जो है बहुत ही एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। टर्मरिक को बहुत सारे लोग जो है पहले भी यूज़ करते थे, जब खांसी हो जाती थी तो दूध और टर्मरिक को मिला करके उसको पिया जाता था ताकि खांसी कम हो जाए, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था। आप जो है टर्मरिक को दूध के साथ इस्तेमाल करें, दूध को बॉयल करें, फिर टर्मरिक को उसमें ऐड करें, हल्दी को उसमें ऐड करें, और उसको एक मिल्क शेक के तौर पर आप उसको पिएं। तो आगे बढ़ते हुए नेचुरल एंटीवायरस फूड्स हैं। नेचुरल एंटीवायरस फूड्स में थोड़े से मैं लिस्टिंग आपको बता देता हूँ। नेचुरल एंटीवायरस फूड्स हैं ऑरिगेनो, बेसिल यानी कि तुलसी का पत्ता, फिर है फेनल यानी कि सौंफ, फिर है गार्लिक यानी कि लहसुन, फिर है जिंजर यानी कि अदरक, फिर है स्टार एनिस जिसे चक्रफूल भी कहते हैं, या अनानास का फूल भी जिसे कहते हैं। इस सब को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कुछ, मैं यहाँ पर आपको रेसिपीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप इसका अर्क जो है बना करके नेचुरल एंटीवायरस फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो है यहाँ पर स्टार एनिस, जिसे दो तीन स्टार एनिस को दो तीन बॉईल करके आप जो है उसका अर्क बना करके छान करके आप उसको पी सकते हैं। फिर यहाँ पर लहसुन का है, जिसको मैश करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं 5 मिनट रख करके। मैश करने के बाद 5 मिनट आप उसको छोड़ दें,
एटमॉस्फेयर में, यानी कि मैश करके आप उसे खुले में छोड़ दें 5 मिनट के लिए, फिर जो है आप उसको कंज्यूम करें। तो ये लीजिए, ये थी कुछ एसेंशियल चीज़ें, कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो कि आसानी से आपको अपने घर पर मिल जाएंगे, जो कि आपको अपने नज़दीकी दुकानों में भी मिल जाएंगे, शॉप्स पर भी मिल जाएंगे, जिसे आप डेली यूज़ में ला सकते हैं। तो ये थे कुछ फूड आइटम्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक टाइम टेबल आप बना लें कि किस वक्त आप किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप विटामिन सी या डी ब्रेकफास्ट के टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, जिंक को आप जो है लंच के टाइम इसको इस्तेमाल करें, फिर प्रोबायोटिक्स हैं, नेचुरल एंटीवायरस फूड्स हैं, इसको आप डिनर में या स्नैक्स के टाइम पर आप इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप एक टाइम टेबल बना लें जैसे कि आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकें। और जो है इसके साथ ही साथ जो है लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएं, घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक कि कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, और जो है मास्क और हैंड ग्लव्स का जो है एहतमाम करें, इस मास्क और ग्लव्स को यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करें, किसी से भेजा हाथ ना मिलाएं, और जब भी किसी से मिलें तो 6 फुट की दूरी आप मेंटेन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, मैं ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा नहीं पाऊंगा। अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप स्टेटस या मैसेजेस के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस आप फैलाएँ। इस वीडियो को आगे बढ़ाना भी सदका है, तो आप अपने तरफ से जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार के लिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।